मध्य प्रदेश के सागर में बीती 5 अगस्त से चल रही बस यूनियन की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। जी हां, पूर्व मंत्री सहित शहर विधायक के दखल के बाद प्रशासनिक अमले और बस यूनियन के बीच पुराने बस स्टैंड से ही बसों के संचालन को लेकर सहमति बनी है और बस यूनियन ने पुराने बस स्टैंड से ही बसों के संचालन के साथ अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। हालांकि शहर के दोनों नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन होगा, जिसको लेकर कुछ रूट तय किए गए हैं, जहां अब शहर के नए और पुराने दोनों ही बस स्टैंड से बसों का संचालन होगा। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बीज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लिधोरा हाट, फोर लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। बता दें कि बीती 5 अगस्त से चल रही बस यूनियन की हड़ताल आज समाप्त हो गई है और बस यूनियन ने प्रशासनिक अमले के साथ हुई इस बैठक में तय किया है कि पुराने बस स्टैंड से ही बसों का संचालन होगा। हालांकि शहर के नए बस स्टैंड से भी बसें संचालित होंगी, जिसको लेकर रूट तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर के विद्यासागर बस स्टैंड यानी खोरई रोड भाग्योदय अस्पताल के सामने बने बस स्टैंड से खोरई बीना कोरवाई सिरौंज और अशोक नगर जाने वाली बसों का संचालन होगा, जबकि भोपाल इंदौर रूट पर जाने वाली बसों का संचालन शहर के पुराने बस स्टैंड से ही होगा। लेकिन यह बसें पुराने बस स्टैंड से निकलकर मोतीनगर स्थित नए बस स्टैंड पहुंचेंगी, जहां इन यात्री बसों का कुछ देर के लिए स्टाफ होगा और फिर यह बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। इसके अलावा जयसीनगर सिलवानी रूट पर चलने वाली बसों का संचालन राजघाट रूट पर बने नए बस स्टैंड से होगा। साथ ही राजघाट रूट पर बने इस बस स्टैंड से चार्टेड और सूत्र सेवा बसें भी संचालित होंगी। इसके अलावा पूर्व में पुराने बस स्टैंड से चलने वाली बसें यथावत अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी, यानी जो बसें पूर्व में पुराने बस स्टैंड से संचालित होती थीं, वह अब भी इन्हीं पुराने बस स्टैंड से संचालित होंगी। बैठक में मैंने आपसे आग्रह किया कि पुराने नए बस स्टैंड के साथ साथ पुराना बस स्टैंड भी संचालित होगा। जो भोपाल रोड की बसेस हैं, उनका संचालन जो है नए वाले भोपाल रोड वाले बस स्टैंड से होने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने प्रगति की है। विद्यासागर राज्य के नाम से जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड से जो संचालित होने वाली बसें हैं, उनका यहाँ न्यूनतम प्रवेश हो, ऐसी व्यवस्था बनाई है। कुल मिला के जो हमारा वर्तमान बस स्टैंड है, उसके बोझ को हम कैसे हल कर पाएं, कम कर पाएं, उस दिशा में काम हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को, सचिव जी को, पूरे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त नगर निगम SP महोदय, और साथ में हम अपने प्रभारी मंत्री जी को और सम्मानीय गोविंद सिंह जी को, मंत्री महोदय को, इन सब ने उसमें सहयोग किया। इन सब के सहयोग से, सुझाव से अंतर्गतवा हम त्यौहार के पूर्व इसका कुछ हल और समाधान ढूंढने में सफल रहे। इमीडिएटली अभी तुरंत बसें शुरू होंगी। ये प्रशासनिक विफलता नहीं है, जो काम अभी हो रहा है, अगर यही बैठक और सभी वो भी पहले हो जाती। आप थोड़े विलम्ब से आए, वो प्रश्न अभी हुआ। कुल लिहाज से शहर के पुराने बस स्टैंड पर पड़ रहे दबाव को कम किया गया है। साथ ही स्पीयर में खड़ी होने वाली बसें भी अब यहां आसपास कहीं खड़ी नहीं होंगी, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे रूट को लेकर शाम तक बस यूनियन और जिला प्रशासन प्रेस नोट जारी कर इन रूट को क्लियर कर सकता है। सागर से आदर्श दुबे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश।